एमपी उमरिया में मुख्यालय स्थित रानी दुर्गावती चौक पर मंगलवार को हुई सियासी हिंसा में पुलिस एक्शन मोड पर दिख रही है। घटना के बाद से ही हिंसा में शामिल असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही ऐसे कई वाहनों को जब्त होने की खबर है जिसमें असामाजिक तत्व घटनास्थल रानी दुर्गावती भवन पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो वीडियो फुटेज आदि के माध्यम से हिंसा में शामिल कई आरोपियों की पहचान की गई है। इनमें से करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, जिन्हें आज बुधवार को सम्माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस मामले में पुलिस ने हिंसा में शामिल आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, धारा 307 सहित कई धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। देर शाम गिरफ्तार सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।